याद रखना, ये हिसाब किताब आपके पाप ठीक कर रहा है, वो तुमने किए हुए कर्म है। ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने कहा तुम्हारी खासी है ये, तुमको मिटाना है। मैं तुम्हारे घर में रहता हूं इसका मतलब मैं मिटा, मैं आपका भाड़ा दूंगा, शरीर उपयोग कर रहा हूं, बीमारी आपकी है, मैं कर्म भोग में इंटरफेयर नहीं करता। जिसका कर्म है वो कि वो भी मिटाए भगवान, बताओ तो उसकी विधि बाबा ने बताया, बच्चे या योग बल से मिटाओ या कर्म भोग भोग के मिटाओ। तो कैसे मिटाना चाहते हो? कर्म किए हुए हैं, फल मिलेगा ना, बीज आपने बोला बोया है, खट्टा हो मीठा हो आम लगेंगे ना, तो कर्म का फल है। तो वो भोग अगर नहीं भोगना चाहते हो तो योग चाहिए। तो वो योग क्या है? वो पाप मिटाने वाला, उसका नाम तपस्या है। एक याद, एक योग, एक तपस्या। अभी याद बताया है ना, उससे किए हुए पाप नहीं मिटेंगे, दोबारा नहीं होंगे। अभी योग क्या है कौन बताएगा? योग माना जो, बाबा ने कहा मेरे से सर्व संबंध जो, योग सर्व संबंधों से याद करो।